हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि उन्होंने 2016 आईफा अवार्ड्स में क्रिएट करा था। सो यार चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि मैं कुछ स्किन केयर के लिए आजकल कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी हाँ प्लीज़ शेयर कीजिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। तो ये है लिप स्क्रब फ्रॉम TNW, मतलब दी नेचुरल वॉश। तो नेचुरल वॉश के जो प्रोडक्ट्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नेचुरल हैं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो मैंने ये बहुत सुना था कि स्क्रब बहुत इफ़ेक्टिव है, तो मैंने इसको ट्राई करा। एंड गाइस रियली, मैं सिर्फ ना वीडियो से मेकअप वीडियो जब खास करके करती हूँ तो मैं इसको ज़रूर अप्लाई कर लेती हूँ। और इसको ना अप्लाई करने के बाद इसको बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको लेना है अपनी फिंगर पे, और नॉर्मली आपको लिप्स पे इसको स्क्रब करना है। ज़्यादा हार्श नहीं करना हाथों से, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना, बिकॉज लिप्स हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और स्क्रब करने के बाद आपको इसको वेट टिश्यू से एकदम क्लीन कर देना है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो, अब आप यहाँ पे कोई भी अपनी ना जो भी आप लिप बाम यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर्पल की लगा रही हूँ, जो कि मैंने आपको पर्पल के हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मुझे रिसीव हुई है। वेनीला फ्लेवर कह रही हूँ, फ्रेग्रेंस है इसमें। ओके, सो जो दी नेचुरल वॉश का सेकंड प्रोडक्ट है ना, वो जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, तो वो है ये रोज़ वाटर। अगर गाइज आप लोग रोज़ वाटर अच्छा और नेचुरल सर्च कर रहे हैं और आप लेना चाहते हैं ना, तो मैं गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि एक बार ये वाला ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको अप्लाई करती है आप देख लीजिए मेरे फेस पर एक शाइन। और जो लास्ट और थर्ड प्रोडक्ट है ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, वो है दी नेचुरल वॉश की ये सनस्क्रीन। इसको लगाने के बाद भी एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका खुद ही आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या लगाती है, जो मेरे फेस पे एक ग्लो आएगा, एक शीन आएगी, आप खुद ही देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है ये भी, आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। मतलब मैं आपको वही वही प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो मैंने यूज़ करे हैं। इसको लगाती देख आप देख सकते हैं आप मेरे फेस पर एक ऐसा ग्लो आया जो हम लोग सीरम्स या फिर कुछ लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं तब हमारे फेस पर आता है। सो मैंने इसको अच्छी तरह से अपने फेस पर लगाया और इस टाइम पे ना मुझे अपनी स्किन इतनी अच्छी लग रही थी, बस मन कर रहा था ऐसे टच करती रहूँ। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और भी मैं दो तीन प्रोडक्ट्स इसके यूज़ कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ना, यहाँ पे मैं न्यूट्रीटर्म का मॉइस्चराइजर लोशन ले रही हूँ। वैसे स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो गई है, बट जितना करेंगे तो अच्छा ही मेकअप आएगा। तो मैं यहाँ ना न्यूट्रीटर्म की ये मॉइस्चराइजिंग लोशन कर रही हूँ। तो दीपिका की फ़ोटो यहाँ मैंने कॉर्नर पर लगा दी, और आप देख सकते हैं आई मेकअप कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा लाइनर के अलावा अच्छे से। सो सबसे पहले हम ना आईज़ मेकअप करेंगे, मतलब आई करेंगे। तो मैं यहाँ मेबलिन का ये एज रिवाइन का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी यूज़ करके ख़त्म करना चाहती हूँ। आईज़ कंसील करने के बाद सेम जो मेरे हाथ में मिरर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर ब्लू हेवन का, वही सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरा ये हुडिया ब्यूटी का पैलेट अभी गिरने वाला था, मेरी जान अटक गई थी, बिकॉज ये ड्यूप नहीं है गाइस, ये रियल है। कई लोग बोल देंगे ड्यूप है, ड्यूप नहीं है, रियल है। ओके, सो इसमें बहुत ही प्यारे कलर हैं। और सबसे पहले मैं जो न्यू शेड है ना, इससे क्रीज लाइन पे बफ करना स्टार्ट करूँ, बिकॉज आई मेकअप मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और बहुत सारी पिक्चर्स मैंने सर्च करी थी, बट सब में ही आई मेकअप नहीं दिख रहा था। तो मैं थोड़ा सा तो अप्लाई करूँगी, बस यही वाले शेड को मैं अच्छी तरह से क्रीज लाइन पे बफ करते करते ना सेंटर आईलिड तक भी यही सिर्फ एक सिंगल शेड ब्लेंड करूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी ब्लेंड नहीं करा, और अब मैं सिर्फ एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। कलर बार का जेल लिक्विड लाइनर लिया है मैंने यहाँ पर, और देख सकते हैं विंग्स काफ़ी अच्छे से दीपिका ने यहाँ पर करी हुई है अपनी आइज़ पर। तो मेरी विंग्स डन हो गई है, और अब पर्पल का ये रेजुविनेटिंग ऐसा ही कुछ नाम है इसका, वो वाला सीरम अप्लाई कर रही हूँ। और सीरम अप्लाई करने के बाद आई मेकअप तो हमारा डन है, अब हम करेंगे फेस मेकअप। तो NYB का ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अंडर आइज़ पे, माउथ एरिया पे। और मेरा माउथ एरिया अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या आप लोगों को पिगमेंटेशन कम लग रही है, ज़रूर बताइए अगर आप लोग को लग रही है तो, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा अपने फेस पर अब असर दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अंडर आइज़ पे और माउथ एरिया पर। बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, बट पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेरा माउथ एरिया कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा डार्क था अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे तो। तो मैंने मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है,
और नेक्स्ट मैं यहाँ पे मैक का ये स्टूडियो स्कल्प का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी ये वेस्ट हो। एक्सपेंसिव है और साथ में बहुत अच्छा भी है। तो इसकी जो कवरेज है ना बहुत ही ज़बरदस्त वाली है, मतलब आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया था और मैंने नेक भी कवर कर लिया है। ओके, सो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया और अब हम दोबारा हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं स्विच ब्यूटी का एक कंसीलर। और ये कंसीलर भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोग अफोर्डेबल और अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे हैं तो एक बार ये वाला ज़रूर ट्राई करिए। सो सेम लैक्मे के कॉम्पैक्ट से मैं अपनी आईज सेट करी हूँ। पूरा फेस ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं करूँगी, बिकॉज अगर आप दीपिका का फोटो देखेंगे तो अच्छे से उनका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई, हाईलाइटर बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा नेचुरल रखना चाहूँगी। तो मैंने बस वहाँ वहाँ सेट करा है पाउडर जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। कलर बार का कॉन्टोर ले रही हूँ। इसकी पिगमेंटेशन के बारे में तो आप जानते ही, हमेशा मैं यही यूज़ करती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ। दीपिका से मिलते जुलते नहीं है मेरे फीचर्स बिल्कुल भी, बट इंस्पायर्ड मेकअप लुक है तो पूरा पूरा उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और मेरा ब्लश आप लोगों को पता ही है, एक ही है मेरे पास। पता नहीं मुझे ये ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने कभी ये भी नहीं सोचती कि हाँ मैं कोई और यूज़ करूँ। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे स्किन टोन के हिसाब से बहुत अच्छा जाता है। ओके, सो हाईलाइटर की बारी। और हाईलाइटर आप देख सकते हैं दीपिका ने काफ़ी अच्छे से अप्लाई करा हुआ है, तो मैं यहाँ हुडा ब्यूटी का हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। और अब आप लोग कहेंगे कि ये ब्रश कॉन्टोर वाला है, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके हाथ पे सेट बैठे ना वही ब्रश आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं करूँगी आईब्रोज। तो आईब्रोज मेरी दीपिका की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। दीपिका की आईब्रोज काफ़ी पतली और लॉन्ग है और मेरी आईब्रोज मोटी हैं। सो मैं इसको थोड़ा लंबा करके, मतलब लास्ट से जो है ना लेंथ को थोड़ा सा लंबा रखूँगी। और कलर बार की न्यूट पैलेट में से ही कलर ले रही हूँ और उससे अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। ओके, सो आईब्रोज के बाद मैं फॉल्सेस अप्लाई कर चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ मेबलिन का ये सेंसेशनल मस्कारा अप्लाई लोअर लैश लाइन पे। वैसे दीपिका ने लैशेज अप्लाई नहीं करी थी, बट अगर मैं लैशेज भी ना करती तो दीपिका तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, दीपिका का तो मुकाबला कर ही नहीं सकती मैं। बट मैंने थोड़ा सा हटके करा, मैंने यहाँ पे लैशेज अप्लाई कर ली बिकॉज मैंने आईज़ पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं करा। ओके, सो दो लिपस्टिक्स हैं यहाँ पे रेड। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि दीपिका ने थोड़ा मेहरून लगाया है या फिर चेरी रेड लगाया, तो मैंने यहाँ दोनों मिक्स करके लगाए पर्पल की लिपस्टिक। यार ये कितनी ज़बरदस्त वाली पिगमेंटेशन और इतनी सॉफ्ट, इतनी क्रीमी, मैं क्या बोलूँ। सो मेकअप हमारा हो गया और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपना आउटफिट एंड ज्वेलरी पहनने के बाद। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. सो या गाइज, ये था मेरा आज का दीपिका पादुकोण आईफा 2016 इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई, मैं अच्छी लगी, और अगर आप लोग दीपिका पादुकोण के ना फैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी बजाइएगा। तो या मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी मायरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। नहीं आना। Go, 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 go,